हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1 का, क्योंकि 8 तक हम पहले कर चुके हैं। 9वां सवाल देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी, ये एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, और इसके विकर्ण, इसका जो विकर्ण बी डी जो है, पर दो बिंदु P और Q, देखिए ये दो बिंदु P और Q, ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, ये A B C D एक समांतर चतुर्भुज, इसमें विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q है, इस तरह से है कि DP, ये जो D से P, ये बी क्यू के बराबर है। डी पी जो है किसके बराबर है? बी क्यू के बराबर है। और आपको ये बताना है, ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी और सी क्यू बी, ए बी सी, सॉरी ए पी डी, ए पी डी और सी क्यू बी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हैं। और यदि त्रिभुज सर्वांग सम होंगी तो बेटा AP जो है CQ के अपने आप ही बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने ये और ये त्रिभुज भी सर्वांग सम सिद्ध करनी है और APCQ को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो आप देखिए हमें क्या दे रखा है, दिया हुआ इसमें आप लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज जिसमें BQ बराबर है DP के, और सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध आपके सामने लिख रखा है, ये सिद्ध करना है, जो आपके सामने है ये सारा सिद्ध करना है, ये पांचों चीज। तो सबसे पहले हम पहली बात लेते हैं, त्रिभुज ए पी डी और सी क्यू बी में, त्रिभुज यहां से शुरू कर देते हैं, त्रिभुज ए पी डी तथा त्रिभुज सी क्यू बी में, आप देखिए ए पी डी और सी क्यू बी ये दो त्रिभुज हैं, इनमें आप देखिए ए पी डी में ए डी बराबर है बी सी के, क्यों बराबर है ये, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। इसलिए ये बराबर, तो एक तो बराबर हो गई। दूसरा देखो बच्चों, हमने ए डी जो है बी सी के बराबर, तो ये कोण भी तो इस कोण के बराबर होगा, क्यों होगा ये कोण इस कोण के बराबर क्यों है, ये अंत एकांतर कोण है, तो आप लिख लीजिए कोण ए डी पी बराबर है कोण सी बी क्यू, अंत एकांतर कोण, और DP बराबर है BQ के, दिया है, ये दे रखा है। तो एस ए एस से दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होगी, इसलिए त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम त्रिभुज सी क्यू बी एस ए एस सर्वांग समता,
दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम। अब यदि त्रिभुजें सर्वांग सम है तो एपी बराबर है सीक्यू के, सीपी सीटी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अब आप ठीक इसी प्रकार से त्रिभुज त्रिभुज ए क्यू बी तथा त्रिभुज सी पी डी में यही यू की तू रहेगी, ए क्यू बी और सी पी डी में। तो ए क्यू बी में ए बी बराबर है सी डी, क्यों क्यों बराबर है, ये इसके बराबर क्यों है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजाएं। और ये कोण इस कोण के बराबर, कोण ए बी क्यू बराबर है कोण सी डी पी, क्यों है ये कोण बराबर, अंत एकांतर कोण। और बी क्यू बराबर है डी पी दिया है। जब ये बी क्यू बराबर है डी पी हो गया, ये भुजा उस भुजा के बीच का कोण बराबर है, तो त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम त्रिभुज सी पी डी एस ए एस सर्वांग समता। जब त्रिभुज सर्वांग सम है तो ए क्यू जो है संगत भाग बराबर होंगे, ए क्यू बराबर है सी पी, सी पी सी टी से सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अब हमने ए पी सी क्यू को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। आप ये देखिए ए पी बराबर है सी क्यू तो है और ए क्यू बराबर है, ये हमने सिद्ध कर चुका है, कर लिया है। आप इसको नंबर भी दे सकते हैं, इसको नंबर एक दे दीजिए, इसको नंबर दो दे दो, तो सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं वो समांतर चतुर्भुज होती है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं सिर्फ समांतर चतुर्भुज में होती हैं, चाहे वो वर्ग है तो भी समांतर चतुर्भुज है, आयत है तो भी समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है तो भी समांतर चतुर्भुज है, और नहीं तो अन्य कोई है तो भी समांतर चतुर्भुज ही होगी यदि सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो अब आप इसमें दो तरीके कर सकते हैं, इन चारों भुजाओं से भी कर सकते हैं, या हम यूं भी कर सकते हैं कि यदि एक भुजा ये बराबर तो है समांतर भी सिद्ध कर दें तब भी हो जाएगा, और समांतर सिद्ध करने के लिए हमारे पास थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा, इसलिए हम सीधा ही कर देते हैं एक तथा दो से, एक तथा दो से, लंबे की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिख दो, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होती हैं। एक तथा दो से ए पी बराबर है सी क्यू और ए क्यू बराबर है सी पी, अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। कि सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो वो समांतर चतुर्भुज होती है। तो ये सवाल नंबर 9, पहले हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया, फिर इनको किया,
ये भुजा इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, सम्मुख भुजाएं बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, समांतर चतुर्भुज। अगला सवाल बच्चों, सवाल नंबर 10, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें AP इस पर लंब है, CQ AB पर लंब, BD पर लंब है, AP जो है DB पर लंब है और CQ भी DB पर लंब है। तो दर्शाइए APB ये त्रिभुज बड़े वाली और ये वाली त्रिभुज, ये दोनों सर्वांग सम है और AP जो है CQ के बराबर है। यदि त्रिभुजें सर्वांग सम हो जाएंगी तो AP CQ के अपने आप ही बराबर हो जाएगा CP CT से। तो बिल्कुल आसान सा है, हमें क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज ABCD। सिद्ध क्या करना है, ये और ये दोनों सिद्ध करना है। अब आप क्या हल करेंगे, इसका हल बिल्कुल सिंपल सा हल है, इसका आसान है। आप देखिए, त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CQD में AB बराबर है CD, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और ये कोण इस कोण के बराबर, कोण ABP बराबर है कोण CDQ। क्यों बराबर है ये इसलिए बराबर है, अंत एकांतर कोण, आपको बताना है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, ये AB और CD समांतर हैं, तो इनको काटने वाली तिर्यक रेखा ये कोण बराबर होंगे और कोण APB बराबर है कोण CQD प्रत्येक 90 डिग्री लंब दे रखा है, इसलिए त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज CQD, कौन सी सर्वांग समता लगी है, AAS सर्वांग समता, और जब त्रिभुजें सर्वांग सम है तो AP बराबर है CQ CP CT, ये भी सिद्ध हो गया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करें, बड़ों का सम्मान करें, खुश रहें, धन्यवाद।